यदि आप गरीब हैं और दिल्ली सरकार के अस्पताल में इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो हो जाए सावधान। यदि आप अपने मोटरसाइकिल पर अपने मरीज को लेकर जाते हैं तो गारंटी नहीं कि आपकी मोटरसाइकिल अस्पताल में मौजूद मिलेगी। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बाइक चोर गिरोह है सक्रिय। दिल्ली के अधिकतर अस्पतालों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों के स्टाफ की बाइक चोरी नहीं हो पर गरीब जनता की बाइकें चोरी होती है। दिल्ली के अस्पतालों में फ्री पार्किंग करने के बाद हुई है शुरू यह घटनाएं, कहीं ना कहीं पार्किंग माफियाओं का खेल तो नहीं। सीसीटीवी के दावे करने वाली दिल्ली सरकार की पोल दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खुल रही है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल नरेला हो या बाबू जगजीवन राम अस्पताल जहांगीरपुरी, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल रोहिणी हो, इन सभी में ये घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही है। आज हम आपको ताज़ा मामला दिखाते हैं दिल्ली के रोहिणी में स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल का। आस मोहम्मद नाम का शख्स अपनी एक रिलेटिव के बीमार होने पर मिलने के लिए अस्पताल में गया। इसने पार्किंग में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की जो कुछ वक्त पहले ही खरीदी गई थी। मोटरसाइकिल को पार्किंग में खड़ा करके वह अस्पताल के वार्ड में अंदर गया और बाद में जब बाहर आकर देखा तो उसकी मोटरसाइकिल गायब थी। आस मोहम्मद का कहना है कि जब उन्होंने गार्ड से बात की तो गार्ड का कहना था कि यहाँ से तो हर रोज मोटरसाइकिल चोरी होती है, हर रोज मोटरसाइकिल चोरी होती रहती है, बावजूद उसके कोई मुस्तैदी नहीं। क्या गार्ड्स को लोग तोड़ते हुए चोर दिखाई नहीं देते या अनदेखा किया जाता है, यह जांच का विषय है। इस बारे में जब बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल KMS से बात की गई तो उनका कहना था कि अस्पताल में CCTV कैमरे अधिकतर जगह लगाए गए हैं लेकिन पार्किंग में ही गाड़ियां चोरी हो रही है और फिलहाल पार्किंग पर कोई भी CCTV कैमरा नहीं लगाया गया है। दूसरे सरकारी बयानों की तरह यहां भी बयान इन्होंने दिया कि बाकी CCTV कैमरे लगने प्रोसेस में हैं और यहां पर मल्टीलेवल पार्किंग बनेगी, वह सब प्रोसेस में है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब तक यहां मल्टी लेवल पार्किंग नहीं बनेगी, CCTV कैमरे नहीं लगेंगे, तब तक ऐसी चोरियां होती रहेगी, क्या उसका कोई स्थायी समाधान अस्पताल प्रशासन नहीं निकाल रहा है? सरकारी योजना हो सकता है 5 साल में भी न पूरी हो, तब तक क्या गाड़ियां चोरी होती रहेगी? फिलहाल अभी गरीब लोग दिल्ली सरकार को ही कोस रहे हैं। इनका कहना है कि दवाइयां फ्री कर दी गई है, उसके बदले क्या उनकी मोटरसाइकिल चोरी की जाएगी? इस तरह से गरीब लोग अपनी मेहनत की कमाई की गाड़ियां चोरी होने पर दिल्ली सरकार को कोस रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या व्यवस्था अस्पताल प्रशासन करता है। थी आपकी और इंश्योरेंस वगैरह करा रहा था आपने? ये मेरी गाड़ी जो है ना, ये पैशन प्रो थी, अभी ली थी मैंने 4 महीने हुए, 33,000 रुपए की अभी लाया था, 4-5,000 रुपए ऊपर से लगाए मैंने, इंश्योरेंस भी करा रखा है मैंने, इंश्योरेंस उसी में है गाड़ी में। अब मुझे तो ये भी नहीं कि अगर इंश्योरेंस होता तो चलो मैं क्लेम आ जाता, क्लेम भी नहीं आएगा। और सबसे ज्यादा अगर गाड़ी यही उठ रही है ये पैशन प्रो, वहाँ से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ये मैकेनिक। सुविधाएं बहुत सारी दी है, दवाइयां भी फ्री कर दी है और पेशेंट्स के लिए बहुत सारा स्पेशल ख्याल रखा गया, पार्किंग भी अच्छी फ्री कर दी है, पार्किंग भी किसी को दिक्कत ना हो। क्यों आप वो इसलिए कर दिए ना ये फ्री दवाइयां, यहाँ से जो बाइकें चोरी हो रही है, रिक्शा जो चोरी हो रही है, उनको ये बेच के उनकी जो है ना दवाइयां आ रही है, टेस्ट हो रही है, इतना जो ये महंगे टेस्ट है, जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सब ये मिली भगत हो रहा है इनका। सबके सब गाड़ियां उठाते हैं, गाड़ियां अपना ये बेची और ये दवाई आ जाती है हॉस्पिटल में, तो सब जो है ये केजरीवाल के उसी में हो रहा है। यानी आज तक ऐसा मेरे 7 साल हो गए यहाँ पे आते आते, मुझे को ये हॉस्पिटल में 7 साल में पहली बार हुआ है मेरे साथ। तो केजरीवाल सरकार से पहले भी बाइक चोरी कभी नहीं हुई? केजरीवाल के उसमें ही इसमें हो रही है, इससे पहले कुछ नहीं हो रहा था यहाँ पे। जिस तरह गार्ड भी कह रहे हैं इस बात को, गार्ड भी कह रहे हैं वहाँ के कि 2 साल के अंदर अंदर ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे चोरी। अभी 20 दिन के अंदर अंदर 40 बाइक उठ चुकी है वहाँ से, डेली दो तीन डेली उठती है। उनका मामला भी दर्ज होता है या नहीं होता है? मामला कुछ नहीं, अपना जाते मैं कल जैसा SHO के यहाँ एप्लीकेशन देकर आया, SHO ने बोला भैया ये कागज है तुम्हारे पास, इस कागज को रख लो, अब तो गई बाइक तुम्हारी, खत्म है। कुछ भी वो नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं कर रहे, SHO ने बोल दिया। हाँ, तो अब जिस तरह दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में पेशेंट से मिलने जाते हैं, क्या डर लगता है अब जाने में आप लोगों को? तो वहाँ पे जाने में है ना वो डर लगता है, साइकिल भी नहीं लेके जा सकते अब तो, क्योंकि साइकिल भी उठ रही है, रिक्शा भी उठ रहा है, बाइक भी उठ रही है, सब उठ रहा है, वहाँ तो साइकिल भी नहीं लेके जा सकते अब। अब क्या चाहते हैं दिल्ली सरकार? मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ की ये सुविधा करे, पार्किंग लगाए और हमारी जो बाइक है, हमारी बाइक जो है ना ये मिलनी चाहिए, जिस बाइक की उठ रही है उनकी भी और अपनी। तो आप अभी कभी आपको ऐसा भी पता चला किसी और हॉस्पिटल में भी बाइकें चोरी हुई हैं? ये हरिश्चंद्र में मेरे दोस्त की बाइक चोरी हुई जी, ये जगजीवन है मामू की चोरी हुई यहाँ से। हाँ। और जितने भी जो हॉस्पिटल है, जगजीवन हुआ, ये हरिश्चंद्र हुआ, इंदुराव हुआ, जितने भी मतलब क्या जो सरकार में आते हैं, ये दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल है,
सब में चोरी, संजय गांधी और अंबेडकर हॉस्पिटल, अंबेडकर हॉस्पिटल में आपकी चोरी, संजय गांधी और भगवान महावीर में ऐसा सुनने को मिला कभी? इनमें भी चोरी हुई है, उनमें भी सब है ना, ये बता रहे हैं आप, जाके चाहे देख लीजिए, पांच मिनट खड़े होकर देखिए, वहाँ पे बाइक ही आपको सिर्फ यही इन्फॉर्म मिलेगी कि बाइक यहाँ से ये चोरी हो रही है। ये दिल्ली जो है ना, ये सरकार के जितने भी हॉस्पिटल है सब में चोरी हो रही है। दिल्ली सरकार ने एक या प्रशासन ने हॉस्पिटलों में बाइक चोरी का एक धंधा बना दिया क्या? ये धंधा ही हो रहा है जी, जब पांच मिनट में देखते हैं उसकी चोरी होगी, अब उसकी देखते हैं उसकी चोरी होती है। गार्डो ने कैमरे तो वहाँ पे लगवा रखे हैं जहाँ पे अपने स्टाफ की बाइक खड़ी होती है ना, हाँ। स्टाफ वालों की बाइक जहाँ है वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, और आम आदमी की जहाँ बाइक खड़ी है वहाँ पे कोई नहीं है कैमरा, कोई कैमरा नहीं है, कोई कैमरा नहीं है वहाँ से, सबकी बाइकें चोरी हो रही है। पांच मिनट के अंदर अंदर देखते जाओ आप कि बाइक उठती है, मतलब जहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठा है वहाँ से बाइकें चोरी है, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं बैठा वहाँ नहीं होती, वहाँ नहीं होती, सिक्योरिटी गार्ड की जो है ना ये मिली भगत होती है। उसके अंदर रिक्शा क्या कर रहा है? कैंपस के अंदर रिक्शे की पार्किंग जगह तो नहीं है ना, ठीक है, बराबर में मेट्रो स्टेशन है, कई लोग अपनी गाड़ियां पार्क करके यहां से निकल जाते हैं, मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो मरीज है या नहीं है, वो आता है इधर पार्क करी गाड़ी और घूम फिर के निकल जाता है बाहर और शाम को ले जाता है, क्योंकि पार्किंग के तो चार्जेस नहीं है यहां पे, सामने वो मॉल में खड़ी करता है तो उसके 100, 200, 300 रुपये लग जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं पास की एंट्री के साथ, लेकिन फिर वो पास अगर हम लगाएं, कार स्टिकर लगाते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के ऊपर हम नज़र रख सकते हैं, मरीजों के ऊपर तो मैं नहीं नज़र रख सकता हूं। तो ये इशूज़ के अंदर आते हैं, समस्या है, लेकिन जितना भी हो सकता है हम उसका समाधान कर रहे हैं, और कोशिश हमारी पूरी रहती है कि कम से कम दिक्कत हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम सहूलियत दे सकें, ठीक है। कई लोग अपनी गाड़ियां पार्क करके यहां से निकल जाते हैं, मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो मरीज है या नहीं है, वो आता है इधर पार्क करी गाड़ी और घूम फिर के निकल जाता है बाहर और शाम को ले जाता है, क्योंकि पार्किंग के तो चार्जेस नहीं है यहां पे, सामने वो मॉल में खड़ी करता है तो उसके 100, 200, 300 रुपये लग जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं पास की एंट्री के साथ, लेकिन फिर वो पास अगर हम लगाएं, कार स्टिकर लगाते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के ऊपर हम नज़र रख सकते हैं, मरीजों के ऊपर तो मैं नहीं नज़र रख सकता हूं। तो ये इश्यूज़ के अंदर आते हैं, समस्या है, लेकिन जितना भी हो सकता है हम उसका समाधान कर रहे हैं, और कोशिश हमारी पूरी रहती है कि कम से कम दिक्कत हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम सहूलियत दे सकें, ठीक है।